Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shivet Krati 2, and to today's video we are going to start our series for semester 4 students political science honors of Delhi University. Even if you are not from Delhi University, you can refer this particular lecture because syllabus almost sari university mein waisa hi hai aur jo abhi main series record kar rahi hu वो ड्यू का जो सिलेबस है वो पुराना वाला है यानी कि बाकी यूनिवर्सिटीज से भी मैच करता है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वन लेट मी टेल यू ऑल दैट हम क्या करने वाले हैं. सेमेस्टर फोर का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं तो मैं शुरू कर रही हूँ आपका जो ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला पेपर है उससे फ्रॉम इट्स फर्स्ट यूनिट विच इज ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्शन एंड पर्सपेक्टिव. आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपका ड्यू का सिलेबस है उसमें अप टू 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई करके. मैं आज के वीडियो में आपका ए टॉपिक करवाऊंगी, लेटर ऑन हम इसके बाकी टॉपिक्स करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. In case you are visiting here for the very first time, I would like to tell that Study Shivet Krati provide video lectures for B Honors Political Science students. So, अगर आप इधर उधर भटक रहे थे, you can just stick to this one because यहाँ पे मैं सारे lectures update कर दूँगी. I know you guys are going to have your examination, तो मैं make sure करूँगी कि उससे पहले सारे lectures update कर दूँ. साथ ही साथ आई ऑल्सो प्रोवाइड क्रैश कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जो बी ऑनर्स में है. फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स भी हमारा चल रहा है. हाउ एवर इट्स टू लेट, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू इनरोल यू कैन इनरोल फॉर दिस. जस्ट कॉन्टैक्ट मी टू द गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी. इसके लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक डाल दूंगी. अभी मैंने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किए हैं बट मोस्ट प्रोबेबली इन 1 or 2 days मैं सारे, क्योंकि जब भी ऐड करूंगी तो सारा यूनिट 1 कवर करूंगी. आप वहाँ पे जाके जब तक देख सकते हो. सो यहाँ देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. दैट्स द ए पोर्शन जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ करवाना चाहती हूँ. ये शुरू करते हैं. आई होप अगर आप लोगों का ह्यूमैनिटीज से बैकग्राउंड रहा है 11th 12th का तो आपको ये तो पता होगा ग्लोबलाइजेशन है क्या. इन केस यू डोंट नो लेट मी टेल यू वन थिंग, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम नेशंस को इंटीग्रेट करते हैं एंड मेक इट एज अ कॉमन प्लेस और यू कैन सी ग्लोबल विलेज. ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहती है. बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बट नाउ इट हैज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस टूवर्ड्स द पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इन एनी अदर एस्पेक्ट. तो ग्लोबलाइजेशन आपका इन ऑल दीज एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर दैट्स इम्पैक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आर लाइफ. फॉर इंस्टेंस आई एम सपोज टू वेयर द ट्रेडिशनल क्लोथ बट आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यू आर यूजिंग इंटरनेट, वॉचिंग वीडियो ऑन टू यूट्यूब वेयर एवर. अब आपको ये ट्रेडिशनली फॉलो करना चाहिए था बट दिस इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन हियर बट द क्वेश्चन इज दैट ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन जितना अच्छा है ना उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी है. तो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ वो पहले हम थोड़ा समझते हैं. What is globalization? Let's try to understand the meaning of it. So globalization, मैंने अभी आपको जो explain किया that is what it is. But the thing that you must ask from yourself, is it a new concept? मतलब last 1-2 सालों में develop हुआ है, otherwise ये बहुत पुराना concept है. Actually it's very old concept or you can say इसका trace आपको ancient history में मिल जाएगा. In order to understand शुरुआत कैसे हुई वो हम देखते हैं historical development. Number one incident जो आपको देखना है, दिस इज समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी था एंड सो ऑन. आई डोंट नो लाइक माय वॉइस इज क्रैकिंग बिकॉज मेरा गला खराब है बट आई एम सपोज टू अपडेट दिस वन. सो आई एम जस्ट लिटिल बिट, इट्स नॉट माय माइक प्रॉब्लम, इट्स माय रियल वॉइस. नाउ सिल्क रूट इफेक्टेड ग्लोबलाइजेशन. जब सिल्क रूट क्रिएट हुआ तो इसने यूरोप एंड चाइना को कनेक्ट किया जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा मिला. दूसरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और एक्सपेंशन होता है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक्सपेंशन हुआ तो जो आपका यूरोप है वो बाकी कंट्रीज में जाके फैला. इनफैक्ट इसको अफ्रीका से कनेक्शन मिला. देन लेटर ऑन थर्ड इवेंट होता है जब कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को इन 1492 तो यूरोप अमेरिका से कनेक्ट हो गया. यू जस्ट सी इट, पहले
यूरोप चाइना से हुआ, फिर वो अफ्रीका से हुआ, फिर अमेरिका से हुआ, एंड लास्ट प्रोसीजर हमारी रही है कॉलोनियल रूल, जब एक्सपेंड होता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सबसे जो है यूरोप कनेक्ट हो जाता है, एंड दिस इज हाउ हमने एक जगह के मार्केट को वर्ल्ड के सभी मार्केट से इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट जस्ट वन नाइट प्रोसीजर की हो गया, इट्स समथिंग दैट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो वी कैन से टेक्नोलॉजी की वजह से इसको बूस्ट अप मिला, क्योंकि हमेशा से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, प्रोसीजर बहुत धीमी थी। अब आप एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट की मदद से, मैंने वीडियो अपडेट किया, यू कैन इमीडिएटली वॉच इट, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इट। हम फिर देखते हैं थर्ड, क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन सीम्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट ना, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम ऑफ इट, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट गिवन चांस टू रूलिंग एलीट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पर्सनल इंटरेस्टेस ओवर द अदर। तो पर्सनल इंटरेस्टेस मेन भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेन होते हैं, राइट। सेकेंड, अनकंट्रोलेबल अथॉरिटीज ने MNC को दे दिया, जिसकी वजह से डेटराइजेशन हुआ है कहीं ना कहीं बाकी बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस का, आप बोल सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं, लाइक नॉट थर्ड, लाइक द फोर्थ वन, ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल मार्केट कैसे आया। देखो स्ट्रक्चरल एंड साइज चेंजेस होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के जो मार्केट है, बिकॉज ऑफ द कैपिटल मार्केट वहां पे आया। कैपिटल मतलब इकोनॉमी में जो एकदम से पैसा आया, ठीक है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा चीजों को इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है एंड रेगुलेट करता है। थर्ड, ओके, दिस इज व्हाट इट इज, द स्ट्रक्चर एंड साइज चेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ। आज सबसे आगे आपको फोर फ्रंट में वही प्रोडक्ट दिखेंगे जिनकी मार्केटिंग अच्छी हो रही होगी, जो क्वालिटी में बढ़िया होंगे और जहां पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। सो टॉप पे जो देखेगा ऑब्वियसली वी गो फॉर दैट वन, बॉटम की चीजों को ढूंढने में वक्त लगता है। नेक्स्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटल ग्लोबलाइजेशन। देखो दो लेवल का रेसिस्टेंस हमने देखा है ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट, एक तो मास मोबिलाइजेशन हुआ है ग्रास रूट लेवल पे एंड लोगों का एजिटेशन टूवर्ड्स दिस थिंग, एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वर्ल्ड सोशल फोरम बनाई गई है। वर्ल्ड सोशल फोरम में ऐसी कम्युनिटीज और ऐसी माइनॉरिटीज आती हैं, आप बोल सकते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो बात करते हैं, hey, We are just losing our own control towards our, like हमारी खुद की भाषा पे, कल्चर पे एंड सो ऑन। हम सब इंडिया से हैं, बट आई एम टीचिंग यू इन इंग्लिश एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कॉन्ट टीच यू इन हिंदी बिकॉज इंग्लिश इज वॉट समथिंग जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं एंड ज्यादातर की वजह से पॉपुलैरिटी इसका है, विच इज टोटली फाइन, बट समटाइम्स हिंदी को डिमीनिंग वे में देखा जाता है, दैट इज नॉट गुड। तो वर्ल्ड सोशल फोरम ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अगेंस्ट कड़ी हुई है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि हम अपने वैल्यूज, अपने कल्चर, अपने इकोनॉमी, इन सबको होल्ड किए रहें। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है। लाइक अगर ग्लोबलाइजेशन इतना ही बुरा है तो मत करो इंटीग्रेट कम्युनिटीज हमारी और मार्केट्स, बट दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। प्रोटेक्शनिज्म एक सजेस्ट किया गया है वे, मतलब मार्केट्स अपने प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करो, इट्स सिंपल वे। आप बाजार में वो सामान खरीदने जाते हैं, अगर सरकार बाहर की कंपनीज को एक्सेस देती है तो मेक श्योर करे कि उनको लिमिटेड एक्सेस दे एंड अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखे और सेफ्टी नेट्स लगाए। जैसे कि चाइना ने जब प्राइवेटाइजेशन किया था तो एकदम से अपना सारा मार्केट नहीं खोला था, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जोन्स बनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको बोलते हैं, सेज, ओके, ताकि सिर्फ बाहर की कंपनीज वहां पे आ पाए, तो कंपनीज को भी आने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ उनका डोमेस्टिक मार्केट भी प्रोटेक्टेड है, एंड बेसाइड दिस ग्लोबल सोलिडारिटी, लाइक इफ ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज केम टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी फाइंड दिस अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव इन द काउंटर ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, तो वी कैन ब्रिंग अप द सॉल्यूशन हियर। नेक्स्ट, वर्क्स ऑन एंटी ग्लोबलाइजेशन। देखो एंटी ग्लोबलाइजेशन पे आपका जो रेफरेंस मैं यूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग दो ऐसे लोग हैं जिनका काम बहुत फेमस है, एक तो है नाओमी क्लेन, नो लोगो इनका वर्क है, बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी आती है आपकी बुक है बायोपायरेसी, जो कि वंदना शिवा ने लिखी, शी इज वन ऑफ द
राइटर फ्रॉम इंडिया, तो इन्होंने ये बुक लिखी है, ये मेन वर्क आपके हाईलाइटेड है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दिस वन, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं इट्स फाइन, अपने रेफरेंस लिस्ट में देखिएगा, जो रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आई एम यूजिंग द कॉन्टेंट एंड उसी से मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ. सो सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द नोट्स ऑफ दिस वन, दिस इज वॉट आई एम यूजिंग देयर. ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. देखो प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव इफेक्ट न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगेन दैट मेन थिंग प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सारा अपने हाथ में ले जाते हैं. आई होप यू ऑल आर वॉचिंग द शार्क टैंक, राइट. मैं शार्क टैंक का रेफरेंस क्यों दे रही हूँ, बिकॉज आपने देखा होगा वहाँ पे नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं एंड अपना प्रोडक्ट शो करते हैं. यार सेम चिप्स के पैकेट ना मार्केट में जाओ आपको 100, 200, 300, 400 टाइप की मिल जाएंगे, बट सबको ना अंकल चिप्स पता है, सबको लेस के चिप्स पता है. वाई? बिकॉज इट्स जस्ट दैट दीज हैव बिकम लाइक टू जायंट नाउ इन ऑर्डर टू कम्पीट डायरेक्टली विद देम. सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जब कोई भी चीज़ ना बड़ी हो जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, दे स्टार्ट कैप्चरिंग द मार्केट एंड समवेयर उनके पॉलिसीज जो है वो नेगेटिव भी हो जाते हैं एंड दैट कॉजेज प्रॉब्लम एज वेल. देखो सीधी बात, इंडिया में है, अगर इंडिया का होम ग्रोन ब्रांड चल रहा है ना तो अच्छी बात है, बट अगर हम इंडिया में रह करके बाहर के प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम बाहर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. क्यों? हमारा कोई खुद क्यों नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम बाकी कंट्रीज के ग्रोथ में वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वॉट अबाउट द आर ब्रांड, क्योंकि उनकी इतनी क्वालिटी आप बोल सकते हैं, इतना कैपिटल नहीं है, उतनी मार्केटिंग नहीं है, सो ऑन, जिसकी वजह से वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव में, देखते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि या ग्लोबलाइजेशन का हमारे पास एक अल्टरनेटिव है विच इज़ लाइक ओनरशिप एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज. पहली बात तो ये रिसोर्सेज अगर सबको बराबर मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन का रियल मतलब ही यही है, मार्केट खुला है, आप कम्पीट कर सकते हो तो कर लो. दिस इज यूट्यूब, यू नो दैट यू आर वॉचिंग माई लेक्चर बी ऑनेस्ट पॉलिटिकल साइंस फॉर दिस ग्लोबल पॉलिटिक्स. ऐसा ही सेम लेक्चर हजारों लोगों ने डाला हुआ है, अब आपको किसका दिख रहा है, आपको किसका पसंद आ रहा है, जो चल रहा है. कई बार ऐसे भी हो जाता है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई सब्सक्राइबर बेस आई एम गेटिंग द रीच, बट ऑल्सो देर आर सम पीपल जिनका सब्सक्राइबर बेस नहीं है बट कॉन्टेंट बहुत सॉलिड है, मे बी मुझसे भी ज्यादा सॉलिड है, बट उनको रीच नहीं मिल रही है. सो लाइक बट वन डे, नॉट टूडे बट वन डे, हो सकता है मैं और वर्थ इट करती हूँ या मैं इतना वर्थ इट भी नहीं करती हूँ, तो मे बी आई जस्ट प्रोग्रेस और मे बी आई नॉट प्रोग्रेस एट ऑल. सो देर आर लाइक चांसेस ऑफ इट, बट द थिंग इज सबको अपॉर्चुनिटी तो मिले, लाइक सबको डालने का तो मौका मिले अपने लेक्चर का, फिर लोग डिसाइड कर लेंगे कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है. नाउ प्रोडक्शन फ्रॉम रीजनल रिसोर्सेज से मतलब है जो सामान बन रहा है ना, मैंने ये बोला ना कि अगर आप रीजनल रिसोर्सेज देखोगे तो बेहतर होगा, वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट से प्रोडक्शन हो रहा है. आजकल जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें, जैसे कि मटके का यूज़ करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें. आप अगर फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में रहते होंगे तो आपको एक मटका जो है 100, 200, 300 में भी आपने खरीदा होगा. जो लोग गाँव से या छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि लाइक ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती है. इट्स जस्ट दैट कि वो गाँव से शहर तक आते आते उसका प्राइसिंग कितना बढ़ गया. बहुत सारी चीज़ें जो गाँव में बनती हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, बट उनको डोमेस्टिक ही वो कंसंट्रेटर रह जाती है, बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है. तो एक गाँव में रहने वाला कुमार या पेंटर या कोई कारीगर जो वहाँ पे कमाई कर रहा है वो उससे 4 से 5 गुना कर सकता है, बट द थिंग इज उसको मार्केट तो मिले अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का, एंड यही सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी. एक्सेस टू कैपिटल से मतलब है प्रायोरिटाइज इंटरेस्ट्स ऑफ लाइक सोशल एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये देखना ज़रूरी है कि हम सोशल एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी देखें, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब बहुत सारे प्लेयर्स आए तो इन्होंने सोशल एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी डिग्रेड किया है. तो जब भी आप किसी MNC को, आप इन द सेंस कभी जब भी कोई स्टेट ओके और कोई ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है, तो दे नीड टू मेक श्योर दैट दे मेंटेन द क्वालिटी और दे डू नॉट डेटोरेट देयर कल्चर, सोशल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड सो ऑन. एंड दैट लास्ट वन इज एनकरेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे आए, फेयर पॉलिसीज बनाए एंड सो ऑन. कमिंग टू योर लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ दिस
पर्टिकुलर ए टॉपिक डिस्करेजिंग फाइनेंशियल ट्रेड. एक्चुअली ना मुझे ट्रेनिंग नहीं करना था, ट्रेडिंग करना था यहाँ पे. तो आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, इट्स जस्ट ट्रेडिंग. ओके, एक्चुअली ये ना आपका डिस्करेजिंग स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल ट्रेडिंग है. मतलब जो कैपिटल में पैसा, जो मार्केट में पैसा आ रहा है ना, वो अगर सबको ठीक तरीके से दिया जाए और सही समय पे दिया जाए, ग्रोथ के लिए दिया जाए, और जहाँ पे टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपर टैक्सेस लगाए जाए, समथिंग विच इज़ द पॉइंट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसनेशनल कॉपरेशन. अगर कोई बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश कर रही है, बनाने दो उसको, बट प्रॉपर उससे टैक्स लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को भी हार्म करेगी. ये वही बात हुई, आपके घर में भूखा बैठा हुआ है लेकिन आप खाना बना बना करके बाहर वाले को दे रहे हो. इट इज़ गुड आप बाहर वाले को दे रहे हो, बट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि घर का इंसान जो बैठा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल. तो मार्केट का भी ऑलमोस्ट यही है कि ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट रूल कि आपको अपना पहले देखना होता है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पहले देखना होगा, बाद में आप बाहर का सोचो. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, रादर देन थिंकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट, थिंक अबाउट द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बजाय कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचो. दिस इज वॉट योर एंटायर यूनिट दैट वी नीड टू डू, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इज अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव. ऑल राइट, नॉट द एंटायर यूनिट, जस्ट ए टॉपिक, अभी बी सी डी ई बचा है. मैं सोच रही थी बीस में कंबाइन कर दूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो अभी आप ए का प्रैक्टिस करो. ये नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आप कर सकते हैं. अंटिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर. आई ऑल्सो प्रोवाइड द क्रैश कोर्स, मीन द लाइव क्लासेज, हाउ एवर दीज आर द पेड क्लासेज. इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां पे सिंपली टेक्स्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो उसके बारे में. आई विल बी अपडेटिंग अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीजीपी के लिए भी मैं अपडेट करूंगी यहाँ पे. आई थिंक दीज आर द पेपर, क्योंकि ना अभी मैं सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर साथ में लेके चल रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स का कन्फ्यूजन भी हो रहा है. इन ऑर्डर टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेरी, यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख कर अपने डाउट्स भेज सकते हो. आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दैम. अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति ट्यू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर.